कहते हैं कि अगर कुछ करने की मन में चाह हो तो उसे पूरा करने में पूरी कायनात इकट्ठा हो जाती है, और जब किसी सपने को पूरा करने के लिए पूरी कायनात इकट्ठा हो जाए तो उसे साकार करने में तनिक भी समय नहीं लगता। ऐसे ही एक मुहावरे की हकीकत बनाने का काम स्टेशन परिसर में नशा करने और कूड़ा बीनने वाले बच्चों ने किया है। इन बच्चों ने वो काम किया है जिससे औरों को इनसे सीख मिलेगी। स्टेशन परिसर में नशा करने और कूड़ा बीनने वाले बच्चों ने शुक्रवार को सेव सोसाइटी और गोरखपुर विश्वविद्यालय के ललित कला एवं संगीत विभाग के सहयोग से हस्तशिल्प कला और पेंटिंग प्रदर्शनी विश्वविद्यालय के ललित कला विभाग में लगाया, जिसमें बच्चों ने अपने हाथ से बनाए फ्लावर पॉट और मनोहारी पेंटिंग प्रदर्शित किया। इन बच्चों को सही दिशा दिखाने और इनके सपनों को साकार करने में सेव सोसाइटी का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। इस मौके पर उत्तर प्रदेश महिला आयोग के उपाध्यक्ष अंजू चौधरी, ललित कला एवं संगीत विभाग की अध्यक्ष डॉक्टर उषा सिंह, पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर भरत भूषण, लोक गायक कलाकार राकेश श्रीवास्तव सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस मौके पर उपस्थित अतिथियों ने हस्तशिल्प कला प्रदर्शनी का अवलोकन कर बच्चों की भूरी भूरी तारीफ की। गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए उत्तर प्रदेश महिला आयोग के उपाध्यक्ष अंजू चौधरी ने कहा कि ये हस्तशिल्प कला प्रदर्शनी वास्तव में काफी अद्भुत है, क्योंकि इसे उन बच्चों ने बनाया है जिन्हें समाज नकार दिया करता है। आज इन बच्चों ने वो करके दिखाया है जिसकी समाज परिकल्पना भी नहीं कर सकती है, उन्होंने कहा। जब भोजपुरी बसती है तो बहुत तकलीफ होती है, लेकिन मुझे बहुत फख्र के साथ कहता हूँ कि जब अंजू वासी बागे नहीं है और शायद मेरे भी परिवार को जानकर के साथ सोसाइटी के उपाध्यक्ष राज्य महिला आयोग आपका सेफ सोसाइटी की तरफ से और कार्यक्रम में मैं आप सभी लोगों का आप सब हमारे एसपी जीआरपी के प्रतिनिधि आप महोदय का स्वागत करता हूँ। मेरे साथ मिलकर काम करना शुरू किया पिछले 4 साल से अधिक हो गया, 5 साल लगभग हो गया बच्चों के साथ काम करते हुए, और आज हम लोग बड़े ही फख्र के साथ ये कह पा रहे हैं कि ये वही बच्चे जो नशा करते थे, सुलेशन लेते थे, उन बच्चों ने ये आर्ट बनाया है और भी बाहर रखे हुए हैं, उनके साथ आर्ट का काम हुआ है, वो सारे बच्चों ने ही आर्ट का काम किया है। कुछ बच्चे स्कूल के बच्चे हैं, जो हम लोग गाँव के बच्चे हैं, जो गाँव में स्कूल हैं जहाँ पे सुविधाएँ कम हैं, वहाँ भी हम लोग जाते हैं, उन बच्चों को कला के माध्यम से उनका विकास करते हैं। वो खाते हैं ना रसगुल्ला होता है, उसका जो वेस्ट निकलता है उसको सांचे के रूप में इस्तेमाल किया है। क्या बनाया है आप लोगों ने? ये बनाया है, दिखाइए क्या है ये? ये फ्लावर पॉट है, इसको बनाने के लिए ज्यादा चीजें नहीं चाहिए, बस एक रस्सी चाहिए और गम चाहिए, बॉटल कुछ चाहिए, और डेकोरेशन के लिए कुछ चीजें हम दे सकते हैं। पहले हम
लगा लेंगे अच्छे से। उसके बाद बस रस्सी को यहाँ पे अच्छे से टाइटली बांध करके फिर इसको राउंड राउंड गम लगाते रहेंगे और राउंड राउंड सुखाते रहेंगे। लास्ट में उसको शुरू में बहुत ध्यान देते हैं, मतलब फिर क्यों लगाना पड़ता है। उसके बाद हम उसके कुछ मोर में डेकोरेशन कर सकते हैं। सर ने बताया था कि ऐसे पहले एक बॉटल को हमको करके दिखाया था कि ऐसे करो, फिर उसके बाद हम लोग को जैसे मतलब डेकोरेशन करने आ रखा हम लोग इतनी सुंदर सुंदर पेंटिंग मॉडर्न आर्ट ये लोग करते हैं जो सीखने के लिए लोग कॉलेज स्कूल जाते हैं। ये वैसे बच्चे हैं जो फुटपाथ पर हैं, जो स्टेशन पर हैं, जिनके माँ बाप का तब पता नहीं है, जो अनाथ हैं और हर तरह के गंदी आदतों में पड़े हुए थे। ऐसे बच्चों को इन लोगों ने कुछ कुछ सिखाना शुरू किया और सिखाने की वजह से ये लोग बनाना शुरू किए। उसके बाद से उनके अंदर आत्मविश्वास जगा, उनकी गंदी आदतें थी वो छूटती गई और अब धीरे धीरे वो कुछ बना करके ऐसा सामान बना रहे हैं जो कि बाज़ार में बेचा जाए तो अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा। टी शर्ट पेंट किए हैं जो कि कोई कह नहीं सकता है कि ये अनट्रेंड आर्ट का स्टूडेंट नहीं रहा हो। तो ये बहुत ही बड़ी बात है कि ऐसे बच्चों को उनको एक स्थान प्राप्त है, जो जहाँ रहते हैं उनको वहीं रहने दिया जाता है, उनको किसी तरीके का जोर जबरदस्ती नहीं किया जाता है। और जो सामान वो स्टेशन पर से कलेक्ट करते हैं, बॉटल हो या कागज़ हो या डिब्बा हो, उससे ये लोग सामान बनाए हैं। ये बहुत ही ताज्जुब की बात है और बहुत ही खुशी की बात है कि मेंटली तो उनका एक हर तरह का उनको कॉलेज तो मिलता ही है, साथ ही साथ उनको आत्मविश्वास जगता है और उसके अंदर ये लगता है कि हम आगे बढ़ें और आगे चल करके हम भी कुछ कर सकते हैं और कुछ बन सकते हैं। ये पेंटिंग देखिए, इस पेंटिंग को देख करके लोग कह नहीं सकता है कि आर्ट डिपार्टमेंट का कोई आर्टिस्ट नहीं है, इतनी सुंदर पेंटिंग।